ईश्वरीय शक्ति पर यकीन न करने के पीछे शहीद आजम ने जो तर्क दिए वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जब तक ये सवाल उठा कि प्रसिद्धि की वजह से भगत सिंह का दिमाग खराब हो गया होगा और घमंड की वजह से उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को भी नकार दिया है, लेकिन भगत सिंह ने इसका जवाब भी कुछ इस तरह से दिया। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर तब यकीन करना छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। भगत सिंह के इस कथन ने अनावश्यक अहंकार की बात को सिरे से नकार दिया। भगत सिंह ने शुरुआती दौर में ईश्वर के अस्तित्व को नकार पाने की हिम्मत न होने की बात कबूल की। उन्होंने साफ लिखा कि ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकार पाने की हिम्मत ना कर पाना निश्चित ही साहस का अभाव था। भगत सिंह ने जब विश्व क्रांति के इतिहास के बारे में पढ़ा तो न कोई रहस्यवास बचा और न कोई अंधविश्वास, और ईश्वर पर भरोसा करने की आदत ने खुद पर भरोसा करने की आदत का रूप ले लिया। लेकिन इस आदत को हमेशा ही अहंकार का नाम दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास को बना रखा है, और कोई उस विश्वास को चुनौती देता है तो उसे विधर्मी और विश्वासघाती कहा जाता है। भगत सिंह का एक तर्क जिसने वाकई में नास्तिकता को लेकर उनकी सोच पर विश्वास जताया। भगत सिंह ने लिखा कि ईश्वर पर मेरे विश्वास न करने ने सारा वातावरण शुष्क बना दिया है, लेकिन मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ और अपने विवेक के दम पर अंत प्रकृति पर विजय चाहता। भगत सिंह के कथन का अर्थ निकालें तो कुछ यूं निकलता है कि अंधविश्वास मानवता के विकास को जड़ बनाने का दोषी है। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है, ये मनुष्य को मूड और प्रतिक्रियावादी बना देता है। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भगत सिंह ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो वाकई तर्कसंगत हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपया मुझे बताएं कि उसने ये रचना आखिर क्यों की? एक ऐसी दुनिया की रचना क्यों की जिसमें कोई भी संतुष्ट नहीं है? और कृपया ये ना कहें कि ये भी उसी का नियम है। यदि वो किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं, वो भी हमारी तरह नियमों का दास है। भगत सिंह दुनिया में व्याप्त हिंसा, अराजकता और मौत के खेल को आधार बनाकर जो तर्क दे गए वो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। हिंसा, दुख, अत्याचार और मौत को लेकर भगत सिंह ने जो तर्क दिए वो कुछ इस तरह थे। जब ईश्वर सर्वशक्तिमान तो संसार से दुख, तकलीफ, अन्याय, अत्याचार को मिटा क्यों नहीं देता? और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उस चेतन परम आत्मा ने विश्व की रचना क्यों की? क्या महज आनंद लूटने के लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की? जाहिर तौर पर ये सवाल वाजिब ही है जो भगत सिंह ने उठाया था। तो क्या परमात्मा भी महज एक तमाशबीन है? जब चंगेज खान लोगों पर अत्याचार करता था तो नीरो सरेआम लोगों की हत्या कर रहा था, और इसी पर भगत सिंह ने सवाल करते हुए पूछा कि ईश्वर को बुलाओ और वर्तमान परिस्थितियां दिखाओ, क्या इन्हें देखकर वो कह सकता है कि सब ठीक है? भूख से तड़पते लाखों इंसान अत्याचार को कितनी बेबसी से देख रहे हैं, मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं। इस बर्बादी को देख भी व्यक्ति सहर उठेगा, उसको सब देखने दो और फिर कहने दो सब ठीक है। क्यों और कहां से
यही मेरा प्रश्न है, तुम चुप हो। भगत सिंह का प्रासंगिक सवाल जो सोचने पर वाकई मजबूर करता है। ईश्वर हर व्यक्ति को उस वक्त क्यों नहीं रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा है? उस वक्त के यथार्थ को दर्शाते हुए भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व पर एक और सवाल उठाया। अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर उनके साथ है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है। वो ईश्वर के दम पर नहीं, बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों के दम पर राज कर रहे हैं। क्या ईश्वर मनुष्य जाति के कष्टों का मजा ले रहा है? भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व और प्रकृति के असली रूप को समझने के लिए चार्ल्स डार्विन को पढ़ने की भी बात कही। निश्चित ही वीर भगत सिंह का ईश्वरीय शक्ति को लेकर आलोचनात्मक चिंतन और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर उठाए गए ये सवाल बड़े प्रासंगिक हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भगत सिंह के इन वाजिब सवालों पर चर्चा की जरूरत है। कल्याणकारी राज्य की कल्पना करने वाले भगत सिंह छोटी सी उम्र में चिंतन किया करते थे और उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। उन पर विचार करने की जरूरत है। किस्मत के भरोसे रहने वाले और ईश्वरीय शक्ति के भरोसे रहने वाले युवा शक्ति को जगाने जो प्रयास वीर भगत सिंह ने किए। भगत सिंह ने जिस अन्याय, अत्याचार और गरीबी के खात्मे का सपना देखा वो आज भी पूरा ना हो सका। आजाद भारत के सियासतदानों ने न भगत सिंह के सपनों को साकार करने के बारे में सोचा और ना युवा शक्ति, ना ही उनके चिंतन को उस तरह समझ सकी जैसे कि देश को जरूरत थी, जिस बदलाव के लिए जरूरत थी। भगत सिंह देशभक्त क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान चिंतक भी थे। ऐसे महान देशभक्त और चिंतक शहीद आजम भगत सिंह को की तरफ से शत शत नमन।